राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है नीतीश कटारा के ऊपर होगी। 17 फरवरी 2002 को जो है उनका मर्डर कर दिया गया था। नीतीश का नाम जो है बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी भारती यादव के साथ जुड़ा था। भारती के भाई विकास यादव, उसके भाई विशाल यादव और सुखदेव पहलवान ने जो मिलकर ये मर्डर किया था। 90 के दशक का एक पुराना फिल्मी फार्मूला है। एक लड़का और लड़की आपस में जो प्यार कर लेते हैं और बड़े रसूख वाला पिता जो है लड़के को जो बाद में ब्लैंक चेक देता है, फिर धमकी देता है और लास्ट में जो गुंडों से मार खिलवाता है, लेकिन अंत में जो अपना प्यार हासिल करके दम लेता है। लेकिन असली ज़िंदगी में ये कहानी कुछ और ही है। ये इसी प्रकार का केस जो है बाहुबली डीपी यादव का था। हम बात कर रहे हैं साल 2002 में नीतीश कटारा मर्डर के बारे में। 70 के दशक के पास जो है एक गांव है सरफाबाद, यहाँ रहने वाले धर्मपाल यादव डेयरी चलाते थे, साइकिल से दूध लेकर दिल्ली जाया करते थे। यहाँ उनकी मुलाकात किशन लाल से हुई। किशन लाल जो है लीकर का जो काम करता था और धर्मवीर यादव भी जो इसी में शामिल हो गए, डीपी यादव के जो पिता थे। इसके बाद जो उनकी एंट्री हो गई। बाद में जो है बाहुबली नेता बन गए। डीपी यादव की एक बेटी थी भारती यादव, गाजियाबाद में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी। इसी इंस्टीट्यूट में जो है नीतीश कटारा भी पढ़ाई कर रहे थे। दोनों में जो प्यार हो गया। नीतीश के पिता जो है IAS रैंक के अधिकारी थे। पढ़ाई के बाद नीतीश ने जो है नौकरी ज्वाइन कर ली, एक प्राइवेट नौकरी। वहीं भारती को जो नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। कॉलेज से निकलते ही जो दोनों के संपर्क टूट गए। हालांकि बाद में जो चिट्ठियाँ वगैरह जो है एक दूसरे को देखते रहे। भारती जो है काफ़ी नीतीश से प्यार करती थी। अब आई जो है 16 फरवरी 2002, एक शादी के प्रोग्राम में जो दोनों आए, वहाँ फोटो वगैरह खिंचवाए। इसके बाद जो है विशाल और विकास की जो काफ़ी बहस हुई। उसके बाद जो है नीतीश कटारा को टाटा सफारी में गाड़ी में बैठा कर काफ़ी दूर ले जाया जाया गया। वहाँ पहले उसे खूब मारा पिटा गया और बाद में जो उसका मर्डर कर दिया गया। इसमें 3 लोगों के नाम आए थे। तीसरा जो सुखदेव पहलवान था, 2002 से लेकर जो है 2013-14 में जो फैसला आया, तीनों को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वीडियो को जो अच्छी लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।